Morning to everyone. You all are very welcome here on the channel exam tutorial 3M. I hope you are very well. And today we will discuss about the letter and we are learning how to write a letter. And in this class, we learn how to write a letter and we are learning a personal letter. Okay. So today is the fourth class of the letter writing, and in this class, on which topic On which topic we will discuss? Let's listen to to your younger brother advising him to participate in evening games. आपको अपने छोटे भाई को क्या करना है सलाह देना है कि आप संध्या के खेलों में भागीदारी लीजिए इनको पत्र लिखना है अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करना है उनको एडवाइस देना है उनको सलाह देना है कि शाम में जो खेल होने वाला है उसमें आकर के आप भी भागीदार होइए तो सबसे पहले जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले जब भी लेटर लिखते हैं तो हम लोग ऊपर में एड्रेस देते हैं क्या देते हैं ऊपर में हम लोग एड्रेस लिखते हैं क्या लिखते हैं एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस लिखते समय ध्यान देना है कि जिसको हम लोग पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे सबसे पहले टू लिखना होता है टू मीन्स जिसको हम लोग पत्र लिखते हैं उसके लिए जिसको खत लिख रहे हैं पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस हम लोग लिखेंगे उसके बाद डेट लिखना जरूरी है कि किस दिन हम लोग लिख रहे हैं लेटर उसके बाद फिर क्या सैल्यूटेशन देंगे फिर पैराग्राफ शुरू करने से स्टार्टिंग लाइन देंगे देन आफ्टर स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे एक पैराग्राफ के माध्यम से उसमें पूरी मैटर को हम लोग को क्या करना है लिख देना है कि हम लोग को कहना क्या है अपनी बातों को रखना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है देन आफ्टर ग्रीटिंग्स लिखना है और इस प्रकार आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे ट्वेल्व साउथ वेस्ट ब्लॉक अन्नामलाई स्ट्रीट चेन्नई तमिलनाडु ठीक है अगर हमें तमिलनाडु तमिलनाडु चेन्नई तमिलनाडु में पत्र लिखना है वहाँ का एड्रेस क्या देना है बारह साउथ वेस्ट ब्लॉक अन्नामलाई स्ट्रीट चेन्नई तमिलनाडु और आज का तारीख लिखेंगे हम लोग ठीक है तो जनवरी थर्टी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सॉरी आज तेईस जनवरी है लेकिन तीस जनवरी लिख दे रहे हैं ताकि फॉर फर्दर्स जो आगे तीस जनवरी तक भी अगर कोई देखते हैं उसके बाद भी तो उन्हें लगे कि नहीं भाई मेरे ही डेट का लिखा हुआ है चलिए तो अब हमें जिसको पत्र लिखना है उसका नाम लिखेंगे माई डियर रंजन माने कि चलिए रंजन हमारा यंगर ब्रदर है हमसे छोटा भाई है तो उसको हम लिखेंगे माई डियर रंजन उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे अपनी बातों को शुरू करेंगे और फर्स्ट लाइन यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया लाइन है आई बम्प्ड इन टू योर क्लास टीचर मिस्टर सुब्बा राव स्टड इन द यूनिवर्सिटी कैंपस कल यूनिवर्सिटी कैंपस में हमने आपके क्लास टीचर मिस्टर सुबा राव से क्या किया वार्तालाप किया बातचीत किया उनसे भेंट वार्ता किया आई वॉज प्राउड टू हियर फ्रॉम मिस्टर राव डैट यू स्टूड फर्स्ट इन द क्लास उनसे यह सुनकर मुझ मैं क्या हुआ तो हुआ कि आप अपने क्लास में प्रथम स्थान पाए हैं आप अपने क्लास में कौन सा स्थान लाए हैं प्रथम स्थान बट आई वॉज ट्रबल्ड वेन ही टोल्ड मी डैट यू हैव ऑलमोस्ट बिकम अ बुक लेकिन तब जा कर के मुझे परेशानी हुई जब उन्होंने मुझे बताया कि आप किताबी कीड़ा बन गए हैं बुक का मतलब किताबी कीड़ा कि केवल किताबें पढ़ना है बाकी दुनिया बाकी कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं तो किताबी कीड़ा बन गए हैं बुक वॉम बन गए हैं इसलिए यह जान कर के मुझे क्या हुई ट्रबल्ड हुआ मीन्स परेशानी लगी यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटी आप किसी भी प्रकार के खेल से संबंधित गतिविधि में भागीदार नहीं होते हैं मीन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इट इज़ नॉट गुड यह ठीक नहीं है बिकॉज रिमेंबर द प्रोवर्ब्स आप यह कहावत याद रखिए ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय मीन्स सारे दिन खेलते रहना और सॉरी सारे दिन काम करना और कोई भी खेलना नहीं व्यक्ति को क्या कर देगा डल मींस सुस्त बना देता है इट विल अफेक्ट योर हेल्थ यह आपकी स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है आइए दूसरे पैराग्राफ को समझते हैं आई सजेस्ट यू टू टेक पार्ट इन इवनिंग गेम्स मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आप संध्या की खेलों में भागीदार लीजिए मीन्स संध्या की खेलों में जाकर के हिस्सेदार डोंट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ मीन्स आप अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं प्ले हॉकी और फुटबॉल आप या तो हॉकी खेलिए फुटबॉल खेलिए और अदर एनी अदर गेम दूसरे खेल भी खेलिए बट डू प्ले गेम्स फॉर एन आवर लेकिन कम से कम एक घंटा जरूर खेलिए इट विल रिफ्रेश योर माइंड एंड कीप यू फिजिकली फिट यह क्या करेगा आपकी मन को स्वस्थ रखेगा और शारीरिक अवस्था को भी क्या रखेगा तंदुरुस्त रखेगा फिट रखेगा दस इस प्रकार इट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज ऑल्सो और इस प्रकार यह आपको आपकी अध्ययन में भी मदद करेगा स्टडी हार्ड खूब पढ़िए बट डू प्ले फॉर अ वाइल्ड ऑल्सो लेकिन थोड़ी देर खेल भी लीजिए वर्क वाइल्ड यू वर्क खेल क्या काम के समय में काम करिए एंड प्ले वाइल यू प्ले और खेल के समय में खेलिए डेट इज द वे टू बी हैप्पी और यही तरीका है खुश रहने का हेल्दी स्वस्थ रहने का द इज हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है बहुत बढ़िया प्रोवर्व है इसको एकदम रिमेंबर कर लेना है आई एम श्योर मैं अस्वस्थ हूँ यू विल फॉलो माई एडवाइस आई आप हमारे सलाह को क्या करेंगे मानेंगे विच ऑल्सो कंफर्म्स विद योर क्लास टीचर्स एंड पापास एडवाइस जो कि आपके क्लास टीचर से भी उस पर सहमति है और आपके पिताजी के भी एडवाइस पर इसलिए ध्यान बिल्कुल देना है पढ़ाई के समय में पढ़ाई खेल के समय में खेल अब आज ये लास्ट लाइन पर योर अफेक्शनेट ब्रदर योर अफेक्शनेट ब्रदर शिवारामा रंजन आपके प्यारे दुलारे भाई कौन सा शिवारामा रंजन इस प्रकार ये लेटर कंप्लीट हुआ फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेटर के साथ उपस्थित होते हैं तब तक के लिए टेक केयर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू